हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? सरजू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम कुछ क्वेश्चनों का हल करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में काम आएंगे। ये एनवायरनमेंट से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम हल करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पहला ऑप्शन है ए वॉटसन, बी ऑप्शन है डब्ल्यू जी रोगन, सी ऑप्शन है टॉन्सले और डी ऑप्शन है विल्सन। तो जैव विविधता जो शब्द है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू जी रोगन ने किया था। इसमें विल्सन का भी नाम आता है, लेकिन विल्सन ने शब्द का प्रयोग नहीं किया था, केवल एक रिपोर्ट जारी की थी। तो जैव विविधता जो शब्द है, इसका प्रयोग डब्ल्यू जी रोगन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र अभयारण्य जहाँ कश्मीरी महामृग स्टेज पाया जाता है। दोबारा देखिए क्वेश्चन को, वह एकमात्र अभयारण्य जहाँ कश्मीरी महामृग स्टेज पाया जाता है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है दाचीग्राम, बी ऑप्शन गिर अभयारण्य, सी ऑप्शन कान्हा अभयारण्य और डी ऑप्शन मुदुमलाई अभयारण्य। तो जो कश्मीरी महामृग है वो मुदुमलाई अभयारण्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का वह अभयारण्य जहाँ हाथियों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। ए ऑप्शन है पेरियार, बी ऑप्शन है कार्बेट, सी ऑप्शन है मानस और डी ऑप्शन है काजीरंगा। तो इसका आंसर होगा काजीरंगा। जो अभयारण्य वहाँ पर सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 के कारण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। ए ऑप्शन है उद्योगों में प्रयुक्त, बी ऑप्शन है वाणिज्यिक क्षेत्र, सी ऑप्शन है सड़क परिवहन और डी ऑप्शन है पावर प्लांट। तो शहरी क्षेत्रों में जो नाइट्रोजन ऑक्साइड का कारण है, वह है वाणिज्य क्षेत्र से ही सर्वाधिक नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 फैलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जल जनित रोग नहीं है। ए ऑप्शन है हिपेटाइटिस, बी ऑप्शन है हेजा, सी ऑप्शन है डेंगू और डी ऑप्शन है टाइफाइड। तो जल जनित रोग डेंगू नहीं है, बाकी तीनों ही जल जनित रोग है। हेपेटाइटिस है, हेजा है, टाइफाइड है, ये सभी जल जनित रोग कहलाते हैं, ये डेंगू नहीं है। तो सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में प्रदूषणकारी गैस कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमुख स्रोत है। ए ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र, बी ऑप्शन है परिवहन क्षेत्र, सी ऑप्शन है घरेलू क्षेत्र और डी ऑप्शन है तापीय शक्ति। तो शहरी क्षेत्रों में प्रदूषणकारी जो गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका प्रमुख स्रोत है परिवहन क्षेत्र। तो यातायात के साधन है उनसे सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड फैलती है, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन का स्रोत है? होम उद्योग, बी ऑप्शन तापीय विद्युत संयंत्र, सी ऑप्शन आर्द्र स्थल वेटलैंड्स और डी ऑप्शन है सीमेंट उद्योग। तो मीथेन है वो सर्वाधिक आर्द्र स्थलों से प्राप्त होती है, जो वेटलैंड्स है वहाँ से सर्वाधिक मात्रा में मीथेन मिलती है। तो इसका सी ऑप्शन, तीन नंबर ऑप्शन है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान है। ए ऑप्शन है पुणे, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है दिल्ली और डी ऑप्शन है कोलकाता। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता में स्थित है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगले वीडियो तक इंतज़ार करते रहना। धन्यवाद।